आ जाता है कि बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता की दृष्टि में तो वे सारे दृश्य झूलते हैं। मुझे आज इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी केवल ऐसे ही समय व्यतीत नहीं किया, संघ में रहते थे तो अध्ययन करते थे, अनुशासन का पालन करते थे, कर्तव्यों का पालन करते थे और उस अध्ययन को उन्होंने बहुत अच्छा विकसित किया है, जन जन तक जिनवाणी को पहुंचाने का अथक प्रयत्न प्रयास किया है। यूं तो सभी जितने भी आचार्य महाराज हैं, मुनि हैं, माताजी लोग हैं, सभी के लिए जिनवाणी ही परोसते हैं, जिनवाणी के लिए ही अमृत रस का पान कराते हैं। विशुद्ध सागर जी ने कुछ ज्यादा भी कराया है। आज उन्होंने उसका ही प्रभाव के अनेकों अनेक निर्ग्रंथों का को जन्म दिया है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज इस बात से ज्यादा प्रसन्न थे हम लोगों से कि विराग सागर जी तुमने एक काम बहुत अच्छा किया, ऐसे ऐसे दीप जला दिए कि जो हमेशा हमेशा जगत जनता के लिए, भव्य प्राणियों के लिए प्रकाश देते रहेंगे और मोक्ष मार्ग प्रकाशवंत रहेगा।